दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे नरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस करेंगे जिसको कि मैंने आप लोगों के लिए काफी सर्च करके इंटरनेट से निकाले हैं। चलिए सेंटेंस को करना शुरू करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नरेशन पे इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 7 से 8 वीडियो बना के कम्प्लीट नरेशन का कोर्स करा दिया है। अगर उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए ये सेंटेंस करना शुरू करते हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नरेशन किस प्रकार की आती है और उसे हमें किन ट्रिकों की मदद से करना होता है। चलिए इन सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, राजन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओ डैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। उसने कहा कि अच्छा होता कि अगर मैं चाइल्ड फिर से हो जाता, अगर मैं फिर से चाइल्ड हो पाता। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं हमें कौन से ट्रिक से इसे समझना होगा। देखिए जैसे ये पहला दिया हुआ है राजन एक्सक्लेम्ड, तो पहले आप ये सेंटेंस को समझ लीजिए कि ये सेंटेंस है कौन सा। ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है। तो अब चलते हैं इस सेंटेंस को करते हैं, फिर से पॉइंट ए पढ़ते हैं। राजन एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर। यहाँ पे देखिए पहली चीज आप समझ लीजिए कि वॉन्डर यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, आश्चर्य की बात आ ही नहीं रही है। यहाँ पे आश्चर्य की बात नहीं आ रही, यहाँ पे इच्छा की बात हो रही है। तो यहाँ पे वॉन्डर लगा, ये गलत लगा हुआ है, तो हमारा ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए फिर भी इस पूरे ऑप्शन को देखते हैं कि आगे और भी कहीं कुछ गलत किया गया है क्या। आगे क्या लिखा है, दैट कॉमेनोटेड कॉमा यहाँ पे दैट लगा दिया गया, ही वॉज अ चाइल्ड अगेन। अब देखिए यहाँ पे वर है और यहाँ पे वॉज है, दोनों का टेंस एक ही है, क्योंकि हमें टेंस को चेंज कर देना होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा राजन वॉन्डर्ड, फिर यहाँ पे वॉन्डर्ड की तो बात ही नहीं आ रही है। और आगे फिर देखिए दैट वर ही अ चाइल्ड अगेन। देखिए इन्होंने यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या किया, जो दूसरा इन्होंने दिया है बी पॉइंट, इनमें इन्होंने इंट्रोगेटिव बना दिया, वर लिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राजन स्ट्रांगली विश्ड। अब यहाँ पे देख रहा होगा आप लोगों को विश्ड की बात की गई, इच्छा की बात की गई, और यहाँ पे भी इच्छा ही की बात हो रही, तो ये वाला हमारा अभी तक तो हमें सही लग रहा है। आगे भी इसको चेक कर लेते हैं, कॉमा नोटेड कॉमा हमारा चेंज हो गया डैट में, और हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आई को इन्होंने चेंज किया होगा राजन के हिसाब से, तो क्या आ गया है यहाँ पे ही, और वर्ब किसमें चेंज हो गया, हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, ये वाला हमारा सही है। चलिए फिर भी चौथा वाला भी चेक कर लेते हैं, राजन प्रेड। अब यहाँ पे प्रेड की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि गॉड से तो उन्होंने कहा नहीं है, इच्छा की बात हो रही है। चलिए हो सकता है इच्छा भगवान से ही की जा रही हो, दैट ही वर। देखिए यहाँ पे वर को चेंज नहीं किया गया है इसलिए ये अलग सेंटेंस भी गलत है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, The spectator said, comma united comma, bravo well played Ravi। तो जब भी आप लोगों को सेंटेंस में ब्रावो दे दिखे तो समझ जाइए कि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किसमें चेंज होने वाला है, वो अप्लॉडेड में ही चेंज होता है। तो देखिए किसी में क्या अप्लॉडेड लगा हुआ है, पहला देखते हैं द स्पेक्टेटर कॉल्ड रवि, तो इसमें कहाँ अप्लॉडेड लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है। दूसरा देखिए द स्पेक्टेटर सिड, इसमें भी नहीं लगा है। द स्पेक्टेटर इनकरेज्ड रवि, इसमें भी नहीं लगा है। द स्पेक्टेटर अप्लॉडेड रवि, ये वाला ही सेंटेंस है नंबर डी वाला जिसमें कि इन्होंने अप्लॉडेड लगाया है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। फिर भी हमें पूरा सेंटेंस चेक करना होगा, तो हम आगे क्या चेक करते हैं, द स्पेक्टेटर अप्लॉडेड रवि सेइंग कॉमा नोटेड कॉमा को डैट में चेंज कर दिया गया होगा और फिर इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया गया होगा, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए इन्होंने रवि के हिसाब से यहाँ पे ही लाए होंगे, हैड प्लेड वेल, ये सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा जो क्योंकि इसमें अप्लॉडेड लगा हुआ है और किसी में भी अप्लॉडेड लगा नहीं है और हमें आगे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है।
तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ये थोड़ा सा पानी के कारण ये खराब हो गया है, चलिए इसको चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। दी मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा कॉमा यूनाइटेड कॉमा वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। चलिए इसका पॉइंट पहला चेक करते हैं, पॉइंट ए क्या कह रहा है, दी मैनेजर आस्क्ड, यहां तक तो सही है क्योंकि मैनेजर यहां पे पूछ ही रहा है कॉम, और जब भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू हो जाए तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट या क्वेश्चन वर्ड ही लाना होता है, तो यहां पे व्हाट लेके आए हैं, तो व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, आई को इन्होंने चेंज किया, मैनेजर के हिसाब से ही सही है। कैन कुड में चेंज हो गया, डू फर्स्ट नेम सही लग रहा है, मार्क कर लिया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द मैनेजर वॉन्डर्ड, अब ये वॉन्डर्ड की तो बात ही नहीं हो रही है, आश्चर्य की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये गलत है, आगे पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो, मैनेजर जानना चाहता है, हाँ तो यहां पे जानना है तो चाह ही रहा है वो। द मैनेजर सेड कॉमन का वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, तो मैनेजर वॉन्टेड टू नो, और उसके बाद सीधे क्वेश्चन वर्ड आ गया है ये वाला, और फिर इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आई को इन्होंने चेंज किया मैनेजर के हिसाब से, जो कि ही में चेंज हो गया है, कैन हो गया, कुड में चेंज, डू फॉर्स्ड हिम, ये भी सही लग रहा है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, द मैनेजर सिड, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पे सिड नहीं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऐसा कुछ लगाना होगा, इसलिए ये पॉइंट तो गलत है। अब देखिए हमें यहां पे दो सही लग रहे हैं, एक तो ये वाला है, द मैनेजर सिड, सॉरी द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, और ये वाला द मैनेजर वॉन्टेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। देखिए ये दोनों सेंटेंस इसके हिसाब से सही हैं, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में हमें एक ही चुनना होगा तो हम इस वाले सेंटेंस ए को ना चुन के हम सी को चुनेंगे, इसलिए सी को चुनेंगे क्योंकि यहां पे वेल लगा हुआ है, सीधे उस मैनेजर ने क्वेश्चन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो वहां पे पूछना चाह रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, वो जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस, सॉरी ये वाला ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। चलिए नंबर फोर देखते हैं, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, चलिए इसको देखते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं। ए पॉइंट हम देखते हैं, ही सेड, देखिए ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट लगा दिए गए, सही है। फर्स्ट आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के का हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही के लिए आ गया ही, हैव हैड में चेंज हो गया, ऑफन टोल्ड, देखिए यहाँ पे यू है लेकिन इसमें उन्होंने यू को गायब कर दिया है, यहाँ पे यू नहीं लिखा गया, तो ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे यू गायब हो गया है। इसका बी पॉइंट देखते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे चेंज हो गया होगा तो डैट में आ गया है, आई को चेंज किया गया ही के हिसाब से तो ही आ गया है, हैव हैड में चेंज हो गया, ऑफन टोल्ड यू, यू सेकंड पर्सन का है लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हो सकता ही होगा, तो ही के लिए उन्होंने यहाँ पे हिम लिख दिया, सही है। नॉट टू वेस्ट वैसे ही रहेगा, योर फिर यहाँ पे चेक करना है हमें, योर को इन्होंने अगर यहाँ पे हिम लगाया है यानी कि ही लगाया होगा, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, तो यहाँ पे हिम आया है और यानी कि थर्ड पर्सन का था ही यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे योर को किसमें चेंज किया गया, हिज टाइम, सही है, ये वाला हमारा पॉइंट पूरा सही निकला है। ये वाला देखते सी, अभी हम देखिए हमने को तो ये सही लगे लेकिन हमें फिर भी बाकी दो भी चेक करने होते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला हमें बिल्कुल सही लग रहा है इसमें कोई गलती नहीं तो यही सही होगा, हम एक बस चारों को चेक करते उसके बाद हमें अपना निश्चय लेना होता है कि एग्जैक्टली कौन सा सही होगा। ये वाला देखते हैं, ही सेड दैट, यहां तक तो सही है, ही आई ही में चेंज हो गया, हैव हैड में चेंज हो गया, ऑफन, अब देखिए सजेस्टेड, यहां पे सजेस्टेड की तो बात ही नहीं हो रही है, कहां से सजेस्टेड ये लेके आ गए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है।
ऐसे ही हमें एक एक चीजों को देखते हुए सेंटेंस को चेक करना होता है कि क्या गलती है, उसे ही हमें पकड़ना होता है। वो छोटी छोटी गलती को पकड़ के ही हम अपना नरेशन में गलती को ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन कौन से ऑप्शन गलत होंगे। चलिए चौथा भी चेक करते हैं। ही टोल्ड, यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही सेड खाली है, तो इन्होंने यहाँ पे टोल्ड कैसे लिया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसको हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कौन सा इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, ही सेड कॉमा इंटरेटेड कॉमा विल यू लिसन टू सच अ मैन। चलिए इसको बनाने देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। एक एक करके हम चेक करेंगे और फिर जो सही होगा उस पर हमें टिक करना होगा। चलिए पहला देखते हैं, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्वेश्चन का साइन लगा यानी कि इंट्रोगेटिव, यानी कि सेड हमारा आस्क्ड में बदल सकता है, तो यहां पे ही सेड को किस में बदल दिया इन्होंने, आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट इन्होंने अपनी तरफ से लिया है देम, सही है, यहाँ पे दे लगा के उसको इन्होंने यहाँ पे देम में चेंज कर दिया गया है, अभी तक तो सही है सेंटेंस। विल, देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे हमें इफ या वेदर लाना होता है, क्वेश्चन के बाद हमें, सॉरी सेट के बाद हमें इफ या वेदर लाना होता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे इन्होंने इफ या वेदर का यूज ही नहीं किया है, तो ये वाला हमारा सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस यानी ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, ही आस्क्ड देम, फिर वही यहाँ पे गलती, इफ या वेदर यहाँ पे कोई नहीं आया है, सीधे आर आ गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ही सेड को इन्होंने किस में चेंज कर दिया, ही आस्क्ड देम में, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को इन्होंने इस बार वेदर में लेके आया, तो यानी कि यहां तक तो हमारा ये सही है। उसके बाद इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव बना देते हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट को लाना होता है, तो यहाँ पे यू चेंज किया होगा इन्होंने, जब यहाँ पे दे लाए हैं तो यू किस में चेंज हो गया होगा, दे में, सही है। वुड, और यहाँ पे विल किस में चेंज हुआ है, वुड में, सही है। लिसन की जगह लिसन टू सच अ मैन, टू सच अ मैन, सही है। चलिए फिर भी हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें कुछ गलती है कि, चलिए इसको देखते हैं, ही आस्क्ड देम, यहाँ पे भी वेदर लेके आए हैं, सही है। दे विल, सॉरी यहाँ पे यू को इन्होंने चेंज कर दिया है दे में, यहां तक तो सही है। अब देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है विल, यहाँ पे भी विल है, यानी कि इन्होंने विल को चेंज नहीं किया है इस ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, हमें और आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती। चलिए इस छठे सेंटेंस को करते हैं, मैरी सेड टू रॉबर्ट, मैरी ने रॉबर्ट से कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट हिम कम देन वी शैल सी। देखिए यहाँ पे लेट लगा, ये तो ऑप्टेटिव का हो गया। चलिए इसके ऑप्शन एक एक करके चेक करने शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, मैरी सेड टू रॉबर्ट, देखिए यहाँ पे सेड टू को इन्होंने चेंज नहीं किया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, मैरी सेड टू को इस बार उन्होंने टोल्ड में बदल दिया, सही है। रॉबर्ट, ये भी सही है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में लेके आए हैं, ये भी सही है। हिम को इन्होंने चेंज किया है अफर्मेटिव बनाने के लिए दे में, सही है। अब इसके बाद इन्होंने सैल लेके आए हैं, लेकिन यहां पे देखिए सैल है, इन्होंने सैल को चेंज नहीं किया है, सैल को वैसे ही सैल की जगह पे रखा रहा है, तो ये गलत है, सैल को हमें चेंज करना था, उन्होंने चेंज नहीं किया इस ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, मैरी टोल्ड रॉबर्ट, अभी तक तो सही है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में चेंज हो गया, और वंस, अब देखिए यहां सेंटेंस आप लोग जो देख रहे हैं, मैरी सेड टू रॉबर्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट हिम कम देन वी शैल सी, इसमें कहीं पे भी वंस आया ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती वंस कहां से आ गया, तो इस वंस को हमें नहीं लिखना था, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। तो बचा कौन सा हमारा आखिरी, ये सही है। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, पहले मैरी सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड, रॉबर्ट, सही है। कॉमन कॉमा चेंज हुआ हमारा डैट में, हिम को चेंज किया पर्सन के रूल के हिसाब से दे में, सेल
किस में चेंज हो गया? वुड में, सही है। अगर थर्ड पर्सन होता है तो शायद शुड में ना बदल के हमारा वुड में चेंज होता है। सी, ये देखिए वीक, अब सी के बाद उन्होंने थर्ड पर्सन हिम तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो हिम ही रहा, इफ ही माइट कम, सही है। चलिए नंबर सेवन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गलती है, कहां कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कॉमन रूट का डोंट रीड सो फास्ट, इतना तेज मत पढ़ो। तो ये तो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट हम देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ही टोल्ड हर, सेड टू को इस बार किसमें चेंज किया, टोल्ड में कर दिया, चलिए सही है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के अलावा हम टोल्ड भी लिख सकते हैं। डू नॉट हमारा चेंज हो गया है नॉट टू, ये भी सही है। रीड सो फास्ट, फिलहाल तो ये सेंटेंस हमें ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो अभी हम इसमें मार्क कर लेते हैं। जब तक हम चारों ऑप्शन चेक नहीं कर लेंगे, जब तक हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली सही होगा। एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करने के बाद जो सबसे सही होता है, मतलब सबसे सही का क्या मतलब है कि जो एकदम सही होगा उसी पे हम टिक करेंगे, और जब तक हम चार के चारों ऑप्शन चेक नहीं कर लेते हम ये नहीं कह सकते कि यही सबसे सही है। चलिए बी ऑप्शन चेक करते हैं। ही एडवाइज्ड हर, कमेंट करो डोंट, क्योंकि यहाँ पे डोंट ही लिखा है और यहाँ पे भी उन्होंने डोंट ही लिखा है, तो इसको चेंज नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन गलत है। ही रिक्वेस्टेड हर, देखिए यहाँ पे ही सेड टू हर कमेंट करो डोंट रीड सो फास्ट, इतना तेज मत पढ़ो, लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है। आप कह सकते हैं या आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही, इसलिए हमारा सेट टू रिक्वेस्टेड में चेंज नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। आखिरी वाला पढ़ते हैं। ही सेड टू हर, अब देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा है, यहाँ उन्होंने चेंज ही नहीं किया इस ऑप्शन में। ही सेड टू हर एज इट इज लिखा हुआ इस ऑप्शन में, तो ये आलो अभी गलत है, तो हमारा कौन सा सही होगा, नंबर ए सही होगा। चलिए नंबर नाइन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है आर यू अलोन माई सन, और क्वेश्चन का साइन लगा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया। आस्ट अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, चलिए इसको बनाते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक, एक चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बैक लगाया गया है, लेकिन ये सेंटेंस को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पे भी बैक शब्द यूज ही नहीं हुआ है, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन गलत है। यही ही छोटी छोटी चीजों को हमें इसमें, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के ऑप्शन चेक करते हैं, तो यही छोटी चीजें हमें पकड़नी होती हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं लगा दिया है जो कि सेंटेंस में था ही नहीं, या कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली है जिसको इनमें सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है, तो यही चीजें पकड़नी होती हैं। चलिए इस ऑप्शन को देखिए, अ सॉफ्ट वॉइस सेड टू मी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेड टू को इन्होंने चेंज ही नहीं किया गया है, यह ना आर यू अलोन माय सन आस्ड, तो यहाँ पे तो ये खुद से ये क्वेश्चन लग रहा है, ये तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब का लग रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, अ सॉफ्ट वॉइस आस्ड, ये सही है, यहां तक सॉफ्ट वॉइस ने पूछा, कॉमा कॉमा चेंज हो गया, दैट व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अब देखिए एक चीज और फिर आप लोग देख रहे होंगे, आर यू अलोंग माय सन कॉमेंटेड कॉमा आस्ट अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन यहां पे देखिए देयर वर्ड आया है, तो इस सेंटेंस में कहीं देयर वर्ड नहीं है, तो ये गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमें इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज्ड बिहाइंड मी, ठीक है। आस्ड इफ आई वॉज अलोन, इफ आई वॉज, देखिए आर को चेंज किया है इन्होंने, आर हमारा प्रेजेंट का है, तो ये पास में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया। यू हमारा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे मी है, तो मी के लिए आई आ जाएगा, यानी कि ये सही है। लास्ट वर्ड, चलिए नंबर टेन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही सेड टू हर कॉन्वर्स मे यू सक्सीड, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ही टोल्ड हर,
तो ऐसे सेंटेंस जब भी ऑप्टेटिव होते हैं उनमें उसमें हम सेट टू को टोल्ड में नहीं रखते, हम उसको उसके सेंस के हिसाब से बदल देते हैं, विश्ड कास्ट में ऐसे में बदल देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि इनमें सेट टू को टोल्ड में बदला गया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा पढ़ी पॉइंट क्या कह रहा है, ही प्रेड टू गॉड कॉमा। देखिए यहां पे गॉड की तो बात हो ही नहीं रही है, उसने कहा मे यू सक्सीड तुम सफल हो जाओ, तो यहां पे इच्छा की बात हो रही है लेकिन गॉड से प्रार्थना की बात नहीं हो रही क्योंकि गॉड शब्द यहां पे यूज नहीं हुआ है, तो ये गॉड शब्द यहां पे आ गया है इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब क्या होगा, ही विश्ड, ये वाला ऑप्शन आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या दिया, ही विश्ड हर सक्सीड, सॉरी हर सक्सेस, ही विश्ड हर सक्सेस, ये ऑप्शन सही है क्योंकि मे यू सक्सीड को इन्होंने चेंज कर दिया है सक्सेस में क्योंकि इसका हमें अफर्मेटिव बनाना होता है, तो ये अभी तक तो सही लग रहा है। चलिए लास्ट वाले चेंज कर लेते हैं, ही सेड टू, फिर वही गलती, इन्होंने सेड टू को चेंज नहीं किया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, तो हमारा इसमें कौन सा चेंज होगा, सी सही होगा।